मैंने अभी तक गाना नहीं सुना है, मैं डेफिनेटली जमंदर जाऊंगी तब सुनूंगा। एंड जितना कि मैं जानती हूँ अक्षय का करिश्मा बहुत मिलता है। गुस्सा क्यों हो रहा है? कुछ तो करना पड़ेगा मेरा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मार्केट में मेरा अकाउंट देखा नहीं तू। ऐसे एक अच्छा लगता है आपको रिलैक्स करने के लिए टाइम मिल जाता है, बुला लेते हैं। अच्छा लगता है इसको काफी सारी इवेंट। आप क्या मतलब आपको किस तरीके के गाने पर्सनली अच्छे लगते? मुझे बहुत मीनिंगफुल गाने अच्छे लगते। मुझे बस म्यूजिक बीट एक पॉइंट में कभी कभी वो भी अच्छा लगता है, बट ऐसे कुछ गाने जिनका मीनिंग बहुत ज्यादा ही डीप हो, जैसे ऊपर से जाए, वो मुझे बड़े कमाल के लगते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, पर आई थिंक आना चाहिए। आई नो दैट दे आर वेरी गुड, सो आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह कभी बाद में जरूर आए सब बात। आपका कैरेक्टर जो है वो दिन ब दिन और पॉपुलर होते जा रहा है, काफी प्यार मिल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, तो आपको किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, क्या आगे दिखने को मिलेगा? आगे तो बहुत सारी चीजें मिली, तो जब से लीक आया बिकॉज लाइक हमने शो एक तरह से रीलॉन्च किया है, तो कहानी एकदम नहीं है। एंड अभी बहुत सारी चीजें होने वाली है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग टर्न्स है, तो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, बस सबको देखना पड़ेगा। हमने आपसे कुछ ही दिन पहले ओटीटी के बारे में बात किया था, बिग बॉस ओटीटी की, बट आपने कहा था मैं उतना नहीं लिखती, बट फाइनली ग्रैंड फिनाले हो चुका है सारा मकबूल जी। हाँ। आपने वो देखा हुआ, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा? ट्रॉफी दीदी को डेडिकेट हुई, उन्होंने कहा था कि जितना भी बहुत सपोर्ट रहा है, तो सबसे आपको जो मेरे इधर देखिए सिंबुल जी। बहुत अच्छा जेस्चर था ये करने का। मैंने ग्रैंड फिनाले पूरा तो नहीं देखा, बट मुझे अफकोर्स इतना पता चला कि वो जीत गई है, सो आई वांट टू कांग्रेचुलेट हर कि उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा खेला होगा, तभी वो विनर बनी है। आपको हमने रिकॉर्ड